स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर बस्तर से। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की प्रमुख रस्मों में एक मुरिया दरबार में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 विभिन्न समाजों को सामाजिक भवनों के निर्माण के लिए भूमि की सौगात दी है। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टाउन क्लब मैदान में आयोजित कार्यक्रम में साहू समाज, बढ़ई, कायस, घसिया, नाई, कलार, उराव सहित भतरा आदि समाज के सामाजिक भवनों के निर्माण के लिए पट्टा प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज भवनों के मालिकाना हक व पट्टा मिलने से सामाजिक गतिविधियों सहित विकास में भवनों का उपयोग करेंगे। उन्होंने बस्तर जिले में 437 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सचिवालय और टीबी मुक्त बस्तर अभियान के लिए निश्चय बस्तर का भी शुभारम्भ किया। साथ ही उन्होंने विद्या जतन ऐप का लॉन्च किए जाने के साथ गांवों में फ्री वाईफाई सेवा शुरू कराने एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए। आज बहुत ही संक्षिप्त लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आज कार्य हुए और उस कार्य में 14 समाज जिसमें अखिल भारतीय बढ़ई महासभा, महिला कायस समाज, घासी घसिया समाज, सरनाई समाज, सहस्त्रबाहु अर्जुन कलार समाज, सर्व यादव समाज, विश्वकर्मा समाज, राजपूत छत्री समाज, सुंडी समाज, बस्तर उरांव कुड़ुक समाज, साहू समाज, मुंडा जनजाति विकास समिति पोटनार, मुंडा जनजाति विकास समिति सौतपुर और भतरा समाज, इनको जो जमीन की घोषणा मैंने की थी आज उसे पट्टा दिया गया और बहुत सारे सामाजिक भवन बनते हैं लेकिन उसका मालकाना हक नहीं होता। आज ये पट्टा मिलने के बाद उस जमीन का, उस समाज का मालकाना हक मिल जाएगा, जो भवन बनेगा उसका मालकाना हक रहेगा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपादित हुए हैं। इसके लिए मैं सभी समाज के लोगों को जहां उपस्थित हैं सबको मैं बधाई शुभकामना देता हूँ। विशेष रूप से कलेक्टर साहब और उनके राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी पटवारी से लेकर एसडीएम और कलेक्टर तक के सबको मैं बधाई देता हूं, कमिश्नर को भी बधाई देता हूं कि आप सब ने बहुत त्वरित कार्रवाई की और आज इस नतीजे में पहुंचे कि 14 समाज को हमने भूमि का पट्टा दिया है ताकि वो अपने इच्छा रूप, अपने आवश्यकता के अनुरूप वो भवन बना सके, ताकि इस भवन में बैठ के समाज के उन्नति विकास, हमारे छात्र छात्राओं के रहने की व्यवस्था और दूर दूर से समाज के लोग आते हैं, कभी रात विश्राम करना हो तो बहुत कठिनाई होती है। समाज का भवन बन जाएगा तो निश्चित रूप से सामाजिक लोगों को दूरस्थ अंचल से जो आएंगे उनके निवास करने के लिए और बहुत सारी जो गतिविधि है उसको भवन के माध्यम से संचालित होगा। तो समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि आपके अच्छा रूप भवन बने। आप सबको बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपने वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो दंतेश्वरी माई की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म मुरिया दरबार में शामिल होकर बस्तर के माझी मुखिया सहित सेवादारों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया। साथ ही यहां करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी। बस्तर प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बस्तर दशहरा के प्रमुख रस्म मुरिया दरबार में महत्वपूर्ण सेवा देने वाले लोगों की बैठक ली, जहां उन्होंने बस्तर के मांझी मुखिया, मेंबर मेंबरीन, गायता व पुजारियों की समस्या सुनकर उनका जल्द निराकरण करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने सिरहासर परिसर में बस्तर वासियों को 230 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एवं लैंग्वेज, कलागुड़ी व लाल बाग में रोशनी व्यवस्था के साथ अन्य विकास कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सिरहासर परिसर में आदिवासी नायक झाड़ा सिरहा की विशाल प्रतिमा का भी अनावरण किया। आपको बता दें कि बस्तर के महाराजा बस्तर दशहरा को लेकर प्रमुख रस्म मुखिया दरबार लगाते थे, अब इस परंपरा का निर्वाहन प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। और मुरिया दरबार में मुझे आमंत्रित किया था, सभी मुरिया मांझी चालकी सीएम हाउस गए थे सांसद जी के साथ और मुझे निमंत्रित किया था उन्होंने। आज मुझे यहाँ आने के बाद
दंतेश्वरी माई के दर्शन और उसे मुरिया दरबार में शामिल होने का अवसर मिला। और अभी सभी समाज के 14 समाज के लोगों को जमीन का पट्टा, भवन बनाएंगे उसके लिए पट्टा वितरण का भी काम संपन्न हुआ। मुरिया दरबार का अपना महत्व है कि यहाँ जो भी निर्णय होते हैं उसका पालन किया जाता है। पिछले समय जो भी हमने घोषणाएं की थी उसका पालन हुआ है। बस्तर के विकास के लिए जहाँ उसे जमीन देने की बात हो, चाहे जल जंगल जमीन बचाने की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, लघु अनुपज की खरीदी या उसकी प्रोसेसिंग का काम लगातार कर रहे हैं। आज महत्वपूर्ण दूसरा काम अभी जो होगा, जो बस्तर फाइटर्स की भर्ती जो हुई है उन बच्चों से भी मेरी मुलाकात है। अभी 14 समाज के लोगों को पट्टा वितरण किया, वो भी महत्वपूर्ण है। और लोहांडी गुणा में जो इमली प्रोसेसिंग प्लांट है उसकी भी शुरुआत होगी। और आज कांकेर में मिलेट्स प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है जो देश का सबसे बड़ा प्लांट होगा, तो उसकी भी शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो बड़ी सौगात भी, और बस्तर अब विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मैं सबको बधाई शुभकामना देता हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया 9 अक्टूबर से बस्तर संभाग के 4 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे, जहां वे कांकेर, अंतागढ़ और भानुप्रतापपुर विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारियों व वरिष्ठ कांग्रेसियों की बैठक में भाग लेंगे। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख के सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि बस्तर संभाग के 4 दिवसीय प्रवास के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया 9 अक्टूबर को दोपहर दिल्ली से रायपुर आएंगे। उसी दिन वे कांकेर के लिए रवाना होंगे, जहां शाम कांकेर, अंतागढ़ एवं भानुप्रतापपुर विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। अगले दिन केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर व चित्रकोट विधानसभा और 11 अक्टूबर को दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन उपरांत दंतेवाड़ा पीजापुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसियों की बैठक लेंगे, जिसके बाद जगदलपुर रवाना होकर 12 अक्टूबर को जगदलपुर, बस्तर और सुकमा विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारियों व कांग्रेसी नेताओं से चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री पीएल पुनिया 9 अक्टूबर को दोपहर 2:45 बजे राजधानी रायपुर आ रहे हैं। यहाँ से वे सीधे बस्तर जाएंगे। बस्तर में वे 4 दिन के प्रवास पर रहेंगे, जहाँ पे बस्तर की सभी 12 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेसजनों से वे मुलाकात करेंगे, सांगठनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे, साथ ही सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर कैसा क्रियान्वयन हो रहा है उसके बारे में निरीक्षण करेंगे। और 12 अक्टूबर को श्री पीएल पुनिया राजधानी रायपुर आके दिल्ली वापस जाएंगे। इस दौरे में उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का भी शामिल रहेंगे। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम का 15 करोड़ की लागत से संधारण कार्य किया जाएगा, जिसके लिए शहर विधायक अरुण वोरा की पहल पर संधारण कार्य के लिए राशि जारी कर दी गई है। दुर्ग शहर के हृदय स्थल पर स्थित रविशंकर स्टेडियम खिलाड़ियों के खेल प्रतिभा को निखारने का एकमात्र साधन है, लेकिन पिछले लंबे समय से रखरखाव के अभाव में यह जीर्ण छीर्ण अवस्था में पहुंच गया है, जिसे लेकर खिलाड़ियों के द्वारा बार बार जिला प्रशासन व जन प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षण कराने के बाद अब खिलाड़ियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके तहत रविशंकर स्टेडियम के संधारण के लिए शहर विधायक की पहल पर 15 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसकी जानकारी देते हुए शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि स्वीकृत राशि से जल्द ही संधारण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए पूरा एस्टीमेट बन चुका है, राशि भी आ गई थी, पिछले बार खनिज न्यास से स्वीकृत हुई थी और हमने मुख्यमंत्री जी से भी कहा था, उसमें भी 15 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने देने की बात कही है और राशि आ भी गई होगी। अब जिला प्रशासन को चाहिए कि उसका एस्टीमेट बनाए और जल्द से जल्द उसका निर्माण कराएं। आपका क्या प्रयास है? मेरा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्टेडियम बने, क्योंकि एक स्टेडियम माननीय मोतीलाल वोरा जी के ज़माने का बना हुआ है और लगभग आज 40 वर्ष हो गए, अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है, इसका संधारण और पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। दुर्ग का रविशंकर स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है जिसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को जन्म दिया है, जिसके गोद में खेल कर ही दुर्ग शहर के खिलाड़ियों ने जिले सहित छत्तीसगढ़ का परिचय राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है, लेकिन जन प्रतिनिधियों की उदासीनता रविशंकर स्टेडियम पर हावी रही और रखरखाव के अभाव में यह दिन प्रतिदिन जर्जर अवस्था में पहुंचता रहा और आज यह स्थिति है कि खिलाड़ियों के लिए इस स्टेडियम में समतल मैदान तक नहीं है। ऐसे में एक बार
फिर खिलाड़ियों में संधारण को लेकर उम्मीद की किरण जागी है। अब देखना होगा कि ऊंट के मुंह में जीरे के रूप में आई 15 करोड़ की राशि स्टेडियम के संधारण में कितना कारगर साबित होती है। इंडियन न्यूज के लिए दुर्ग से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या असंतुलन वाले बयान पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोहन भागवत अपने अलग अलग बयानों के कारण विवादित सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने कहा क्या है कि वे कभी बिहार चुनाव में आरक्षण खत्म करने और कांग्रेस के मुसलमानों के प्रति तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जबकि वे खुद मस्जिदों में जाकर मुसलमानों से मिलते रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि आखिर आरएसएस प्रमुख क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट नहीं होता। भागवत जी समय समय पर कुछ कुछ कहते रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले उन्होंने आरक्षण समाप्त करने की बात कही थी, फिर उसको वापस लिया, फिर वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों के साथ तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती है और खुद मदरसे में चले जाते हैं, खुद मुसलमान वरिष्ठ जो उनके नागरिक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उन लोगों के साथ बात करने लगते हैं। तो मोहन भागवत जी चाह क्या रहे हैं, ये कई बार स्पष्ट नहीं होता। भिलाई 3 थाना क्षेत्र चरोदा गांव में बच्चा चोरी के शक पर साधुओं की पिटाई मामले में पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में कई लोगों को वायरल वीडियो के आधार पर तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस ने साधुओं को उपचार कराने के बाद राजस्थान अलवर भिजवा दिया है। विजयादशमी के दिवस 3 साधु संदिग्ध अवस्था में भिक्षा मांगने चरौदा गांव में घूम रहे थे, जिस दौरान किसी ने साधुओं को बच्चा चोर होने का अफवाह फैला दिया। ये अफवाह गांव में आग की तरह भड़क गई, जिसके बाद दुर्गा विसर्जन करने जा रही भीड़ भभक कर साधुओं के बर्बरता पूर्वक पिटाई कर दी। ग्रामीणों की पिटाई से तीनों साधुओं को गंभीर चोटें आई। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच साधुओं को भीड़ से बचाकर थाने ले आई, जहां उनका बयान लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस तीनों साधुओं को राजस्थान अलवर भिजवा दिया है। इस मामले में पकड़ाए आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो गांव में साधु संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे, जिसके पास पहचान पत्र भी नहीं थे। अफवाह के कारण ही ग्रामीणों ने इनकी पिटाई कर दी, जो कि गलत है। फिलहाल पुलिस पीड़ित साधुओं के बयान और वायरल वीडियो को खंगालने के बाद आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं कई फरार लोगों को पकड़ने अपनी तलाश शुरू कर दी है। वहीं कई संदिग्धों की भी पहचान की जा रही है। भिलाई 3 पुराने भिलाई थाने का मामला है, जहां पर 2 दिन पूर्व 3 जो बाहरी लोग थे, साधु की वेशभूषा में थे, उनके साथ मारपीट हुई थी और अफवाह ऐसा उड़ाया गया था कि वो बच्चा चोर हैं। और जब इनके साथ भीड़ जो है मारपीट कर रही थी, तब पेट्रोलिंग पार्टी को सूचना मिलने पर पेट्रोलिंग पार्टी जो भिलाई 3 थाने की, वो तत्काल वहां पर पहुंची और उन तीनों साधुओं को रेस्क्यू किया गया, थाना लाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मिलाजा और इलाज वगैरह के उपरांत डॉक्टर ने वहाँ से उनकी छुट्टी कर दी। उसके पश्चात अपराध कायम भी किया गया, अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला कायम किया गया। और चूंकि इस मामले में तात्कालिक रूप से चिन्हांकित नहीं हो पाए थे, जो फुटेज प्राप्त हुए थे उसके आधार पर लोगों को चिन्हांकित किया गया और अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इस मामले में अन्य लोगों के चिन्हांकन किया जा रहा है। बच्चा चोरी के शक में बेकसूरों की पिटाई का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। भिलाई 3 चरोदा के बाद दुर्ग जिले के उतई थाना के मंचादूर चौकी क्षेत्र में मानसिक रोगी को बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मचांदूर पुलिस चौकी क्षेत्र के घोपली डिपरा गांव में एक मानसिक रोगी को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फटे पुराने कपड़े पहने और दाढ़ी वाले युवक को छुड़ाकर थाने लाया और उसका डॉक्टरी मुलाइजा कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मानसिक रोगी बताते हुए उसे बिलासपुर के सेंद्री स्थित मानसिक रोग चिकित्सालय भेजने की सलाह दी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इन दिनों बच्चा चोरों के सक्रिय होने की अफवाह फैली हुई है, जिस पर कोई भी किसी को बेवजह प्रताड़ित ना करे। यदि किसी पर संदेह हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। फिलहाल पुलिस मानसिक रोगी को राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंद्री बिलासपुर भेजने की तैयारी कर रही है।
जबलपुर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद अधिवक्ता द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले से आक्रोशित दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ ने गुरुवार को काम बंद कर हड़ताल करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और न्यायाधीश के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जबलपुर हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी के द्वारा कथित तौर पर न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता अनुराग साहू पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के चलते अधिवक्ता द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना को लेकर दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ काफी आक्रोशित है और इसी के तहत ही दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ ने गुरुवार को न्यायालयीन कार्य का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर जबलपुर हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी पर कार्यवाही की मांग की। आज हम लोगों ने एक दिवसीय काम से विरक्त रहने की घोषणा की और उसे आज अमल किया जा रहा है। हमारे जबलपुर के अधिवक्ता अनुराग साहू जी के द्वारा जो आत्महत्या की गई, संजय द्विवेदी जी माननीय न्यायाधीश के अशोभनीय टिप्पणी से उन्होंने आत्महत्या की है, जो कि घोर निंदनीय है। उनके द्वारा यह टिप्पणी किया जाना, इससे प्रताड़ित होकर उन्हें आत्महत्या करना पड़ा, मजबूर हो गए। ऐसे कृत्य के लिए हम चाहते हैं कि माननीय न्यायाधीश के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए और महामहिम को हमने राष्ट्रपति जी को यह कार्रवाई के लिए पत्र माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रेषित किया है और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा और उग्र आंदोलन के लिए भी यदि अधिवक्ता चाहेंगे तो वो होगा, निश्चित रूप से होगा। हम सब पूरे देश के अधिवक्ता एक हैं इस मामले में और एक होकर यह मांग करते हैं कि तत्काल कार्रवाई की जाए। मैं एक अधिकारी अनुराग साहू काफ़ी साल से वकालत कर रहे थे, उनका एक न्यायालयीन केस में संजय द्विवेदी करके न्यायाधीश उन्होंने उनके विपरीत टिप्पणी करी जिससे आहत होकर उन्होंने आत्महत्या सुसाइड कर लिया। हम सब जिला अधिवक्ता संघ के जितने आज अधिवक्ता हैं उन्होंने आज एक दिन न्यायालय से काम से सब विरक्त है। आज हमने न्यायालय को बंद रखा है, अपना काम नहीं हो रहा है। हम लोगों ने हमारे अध्यक्ष नीता जैन और सभी पदाधिकारी के सब माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के नाम से, जिसमें हमने मांग किया कि उस न्यायाधीश के खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए और न्याय सबके लिए एक समान है, चाहे वकील हो चाहे न्यायाधीश हो। तो हमारी ये डिमांड है कि न्यायाधीश के खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए और जो जेन्युइन कार्रवाई होना चाहिए उसके संबंध में हमने ज्ञापन आज सौंपा। मनेन्द्रगढ़ जिले के खटगवा जनपद ग्राउंड में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में अश्लीलता परोसने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जनप्रतिनिधि व अधिकारी रकम लुटाते दिख रहे हैं। देखिए ये वीडियो। खटगवा जनपद ग्राउंड में विजयदशमी पर रावण दहन का आयोजन किया गया, जहां लोक संस्कृति और परंपराओं से हटकर फुहर डांस का कार्यक्रम हुआ। इस डांस पर जनप्रतिनिधि अधिकारी और कर्मचारियों ने रुपए पैसे लुटाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मनेन्द्रगढ़ के कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल, भाजपा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद प्रतिनिधि अशोक श्रीवास्तव और युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनोज शर्मा भी अश्लील डांस पर पैसे लुटाते हुए दिख रहे हैं। इस मामले में क्षेत्र के लोगों ने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों पर शासकीय धन का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दुर्ग नगर माँ शीतला मिनी स्टेडियम बैगापारा में रविवार को विजयादशमी उत्सव मनाने जा रहा है, जिसके मुख्य प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत के कार्यवाहक चंद्रशेखर वर्मा और मुख्य अतिथि चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश कोठारी होंगे, जहां संघ के लोग पद प्रदर्शन कर शस्त्र पूजन भी करेंगे। संघ कार्यवाह महेश यादव संघ के लोगों को शामिल होने की अपील की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005।
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, देखेंगे खबर दुर्ग से। दुर्ग में एनसीसी कैडेटों के द्वारा 28 सितंबर से चलाए गए पुनीत सागर स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान का समापन ठड़गा बांध के व्यापक स्वच्छता अभियान चलाकर किया गया, जिसमें एनसीसी छात्रों ने लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। भिलाई के कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों द्वारा 28 सितंबर से चलाए गए पुनीत सागर स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान का समापन ठगड़ा बांध के व्यापक स्वच्छता व जागरूकता अभियान चलाकर किया गया। इस अवसर पर अभियान का संचालन कर रहे 37वीं छत्तीसगढ़ एनसीसी बटालियन व कल्याण महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश कुमार कश्यप ने कहा कि इस अभियान के तहत दुर्ग भिलाई के तालाब व नालों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया है और आसपास के निवासियों, दुकानदारों व तालाब में स्नान व भ्रमण के लिए आए हुए लोगों के बीच जाकर उन्हें स्वच्छता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की बात कही गई। इस अभियान के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरपी अग्रवाल, उप प्राचार्य डॉक्टर एनएस पटेल ने कैडेटों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। मनेंद्रगढ़ शहर में चोरों ने जेवरातों को पार करने के बाद अब विद्युत टावर को निशाना बनाया है, जहां चोरों ने चोरी के मकसद से हाई टेंशन टावर को ही ढहा दिया। इसके बाद आसपास शहर में अंधेरा छा गया। सरगुजा संभाग के मनेंद्रगढ़ में चोरों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, जहां चोरों ने छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर जाने वाली 1,32,000 केवी वोल्ट हाई टेंशन के 3 टावरों को गिराकर पूरे ढांचे को ही गायब कर दिया। इस घटना के बाद विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित रही, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में अंधेरा छा गया। विद्युत विभाग के अधिकारियों की माने तो चोरों ने मनेंद्रगढ़ के सिद्ध बाबा पहाड़ के नीचे चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिससे विद्युत विभाग को लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल विद्युत विभाग के थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। पीछे आपका जो टावर दिख रहा है, ठीक है, वो वाला ये आपका कट पॉइंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एंगल पॉइंट। वहाँ पे आपका जैसे तार चोरी करने के लिए ना आपका तार काटा गया है, जिसकी वजह से आपका जो ये टावर है ना, नॉर्मल टावर आपका, ठीक है, इसके आपका झटका आया तो फिर आपका ये गिर गया है, कोलैप्स हो गया है। इसके साथ साथ आपका जैसे ये आगे वाला टावर है, वो भी आपका दो टावर साथ साथ में गिर गया। दो टावर आपका कम मतलब पूरी तरह से गिर चुका है और एक का टावर आपका पीछे वाला जो जहाँ से आपका है ना तार काटा गया कंडक्टर, वो आपका ऊपर से बैंड हो गया। इसमें 1,32,000 वोल्ट वोल्टेज आपका चलता था, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आपका जैसे लाखों का मान के चलिए लाखों रुपये नुकसान हुआ है पार्ट बोर्ड का। इसको लेकर उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की गई आप लोगों के द्वारा? जी जी, सूचना दिया गया, सूचना दिया गया, जी जी जी, कार्रवाई के लिए मांग की गया। धमतरी जिले में जर्जर सड़क और चौड़ीकरण की मांग को लेकर 32 गांव के ग्रामीण धरने पर बैठे, जिसकी जिला प्रशासन द्वारा अनदेखी किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने धमतरी नगरी मार्ग पर प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। धमतरी जिले के रेत खदान के रास्ते वाले 32 गांव के ग्रामीणों ने जर्जर सड़क की मरम्मत और सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। आए दिन सड़क हादसों में ग्रामीणों की मौत होती है और कई घटनाओं में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल होते हैं। ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप तर्री दोनार जोरात राय मार्ग में बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया, जिसके बाद दर्री गांव से ही सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जिला प्रशासन से बातचीत के दौरान वार्ता विफल होने से ग्रामीणों ने नगरी कोलियारी मार्ग को चक्का जाम कर दिया है। ग्रामीणों की माने तो वे लगातार 2 दशक से शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। उनकी मांगों को कांग्रेस और भाजपा सरकार द्वारा अनसुनी किए जाने से खराब व सक्रिय सड़कों के कारण ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। कोलियारी खरंगा दोनार चर्रा मंदरौद मार्ग के जर्जर हालत को ध्यान में रखते हुए ग्राम दर्री और झूरा तराई के पास सभी ग्राम के सरपंचों, ग्राम प्रमुखों एवं वरिष्ठ नागरिकों, माताओं के साथ में
मिलकर दर्री हमझुरा नावागांव में आंदोलनरत थे और आज हमारा यहां पर अपने रोड के पुनर्निर्माण चौड़ीकरण हेतु एवं अपने रोड के अंदर जितने भी भारी वाहन हैं, हम दूसरे प्रदेशों से जो वाहन रेत निकासी के लिए आते हैं उसको पूर्णता प्रतिबंध लगाने के लिए यह आंदोलन आज करता था, जिसमें शासन प्रशासन के सभी अधिकारी SDM साहब, माइनिंग, RTO सब ने, प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी रोड चौड़ीकरण के साथ साथ जितने भी जो गंभीर गड्ढे हैं उस गड्ढे को तत्काल PWD विभाग के साथ रिपेयरिंग कराने का आश्वासन मिला है और जितने भी खदान एवं डंपिंग है उसको प्रतिबंध लगाकर भारी वाहनों पर कार्रवाई करने का और बंद कराने का हमें आश्वासन मिला है। ग्रामवासियों के मुख्य रूप से यह मांग थी कि कोलियारी खरेंगा जो मार्ग है उसको तत्काल प्रभाव से रिपेयर कराया जाए, उस जो मार्ग है उसका चौड़ीकरण कराया जाए। तो उसके लिए ADP के लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे, PWD वाले भी उपस्थित थे और उन्होंने उनको बताया है कि ADP के अंतर्गत उस रोड को ले लिया गया है और यथाशीघ्र जो है जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होती है उसका सेंसन भी होगा, निविदा भी आमंत्रित की जाएगी, रोड निर्माण का काम भी किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, अभी निरंतर रूप से आप देखेंगे तो गड्ढों को भरा भी जा रहा है, उस पर गिट्टी भी डाली जा रही है, उसमें प्रॉपर जो है वो फिलिंग का काम भी किया जा रहा है और आगे भी निरंतर अनवरत रूप से किया जाएगा। उसके संबंध में भी RTO वहाँ मौके पर उपस्थित थे और उन्होंने उनको आश्वस्त किया है कि भारी वाहन जो है उस पर लगातार कार्यवाही की जाएगी और भारी वाहन का जो आवागमन है उसको प्रतिबंधित करने के लिए नियम अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। गरियाबंद पुलिस अधीक्षक JR ठाकुर का अन्यत्र जिला में तबादला होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां पत्रकारी बिरादरी व अन्य संगठन से जुड़े लोगों ने उनको सम्मान पूर्वक विदाई दी। गरियाबंद पुलिस अधीक्षक JR ठाकुर अपने 10 माह के कार्यकाल के बाद विभागीय प्रक्रिया के तहत उनका अन्यत्र जिला में तबादला किया गया। उनके स्थानांतरण पर आयोजित एक विदाई समारोह में पत्रकार बिरादरी सहित शहर के अन्य सामाजिक संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए, जिन्होंने SP को शॉल, श्रीफल व मोमेंटो भेंट कर भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर SP ठाकुर ने मिले सम्मान के लिए जिले वासियों का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, उनके कार्यकाल में गांजा, हीरा व शराब तस्कर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई, साथ ही जिले में शांति व्यवस्था भी कायम रही। गरियाबंद जिला बहुत ही शांत जिला है और यहाँ के जो जिले के निवासी बहुत शालीन हैं, बहुत सभ्य हैं और किसी प्रकार की यहाँ पे हमें परेशानी नहीं हुई। छोटी हो या बड़ी हो समस्या, एक परिवार की तरह मिलकर यहाँ के लोगों ने उनको सुलझाया है। मेरा 10 महीना का कार्यकाल रहा है और निश्चित रूप से गरियाबंद जिले के वासियों को, खासकर गरियाबंद जो नगर है यहाँ के जो लोग हैं, इनके प्रति मेरा बहुत बहुत आभार रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि इन्होंने मेरे को अच्छा सहयोग किया, साथ दिया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ नगर निगम जन प्रतिनिधि के परिजन पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है। सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र के बैरहनटाल स्थित एक जमीन को हड़पने का आरोप महापौर रानी अग्रवाल के पति प्रेम अग्रवाल पर लगा है। ये गंभीर आरोप वहां के रहने वाले ही पीड़ित विनोद कुमार गर्ग ने लगाया है। इस मामले में कार्यवाही करने राजस्व निरीक्षक और पटवारी बैढ़न स्थित टाल पहुंचे थे। निरीक्षण कार्यवाही के बाद महापौर पति जायसवाल ने पीड़ित के साथ जमकर बहस भी किया। फिलहाल राजस्व अमला कार्यवाही में जुटा हुआ है। जमीन के कागजात खंगालने के बाद ही सच्चाई का पर्दाफाश होगा। 1984 में हमारे पिताजी और श्री राम निवास जी ने मिलकर 140 डिसमिल जमीन ली थी, जो 2011 में उसका आधा बंटवारा हुआ था। तो श्री राम निवास जी ने बोला 15 डिसमिल हमको जमीन और दे दीजिए, तो हमारे पिताजी ने उनको 15 डिसमिल और जमीन दे दी। हमारे पास 55 डिसमिल जमीन बची, जिसमें कि हमारा कब्जा है, चारों तरफ बाउंड्री या गेट लगा हुआ है। लेकिन जब उनके पिताजी एक्सपायर कर गए तो उनकी प्रेम अग्रवाल जी की नीयत खराब हो गई, जो रानी अग्रवाल जी के पति हैं मेयर जी के हैं। और उसके बाद जब भी हम वहाँ जाते हैं तो हमको मारने की धमकी देते हैं। जब भी गेट खोलेगा हमारा आदमी तो उनके पीछे 25 आदमी लगा लेंगे और उनको दौड़ा लेते हैं। हमको बार बार इस पर परेशान किया जाता है, हम बार बार वहाँ ज़मीन पर जाते हैं। इस बार फिर हम कल परसों फिर गए थे तो फिर हमको धमकी दी। इन्होंने एक साल पहले हमारी बाउंड्री भी तोड़ दी, हमको प्रशासन से मदद लेनी पड़ी। हम प्रशासन के पास गए तो प्रशासन ने मिलकर
हमारी को बाउंड्री को बनवाया उन्होंने, लेकिन ये बार बार हमको परेशान कर रहे हैं। मैं दिव्यांग आदमी हूँ, ये हमको आज गए थे तो आज हमको ये मारने की धमकी भी दी है कि यार तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे हम आपको देख लेंगे। ये बार बार रानी मेयर रानी अग्रवाल जी के पति प्रेम अग्रवाल हमको बार बार परेशान कर रहे हैं। बलरामपुर के पुराना जिला चिकित्सालय परिसर में वयोवृद्ध शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में जिले भर के वृद्धजन पहुंचे, जहां उनका स्वास्थ्य जांच कर उन्हें निशुल्क दवाइयां दी गई। वृद्धजनों के लिए आयोजित इस शिविर में हर कोई उत्सुक दिख रहा था। वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्लेन स्टिक, ट्राइपॉड स्टिक एवं व्हील चेयर का वितरण किया गया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बसंत सिंह ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि शिविर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों का उम्र के अनुसार उनकी आंखों की जांच, ब्लड टेस्ट भी कराया जा रहा है। साथ ही शिविर में पहुंचे लोगों का तहसील स्तर पर शिविर लगाकर स्वास्थ्य जाँच किया जाएगा। भिलाई के वरिष्ठ पत्रकार व संपादक आरबी केशरवानी राजस्थान में संपादक रत्न की मानद उपाधि से विभूषित किए गए। केशरवानी को सम्मान मिलने से भिलाई के पत्रकारों में खुशी की लहर व्याप्त है। इस्पात नगरी भिलाई के वरिष्ठ पत्रकार व संपादक आरबी केशरवानी को यह सम्मान राजस्थान के साहित्य मंडल श्रीनाथ ने हिंदी समाचार पत्र पत्रिका संपादन के क्षेत्र में अनुपम योगदान के लिए आयोजित हिंदी लाओ देश बचाओ समारोह में प्रदान किया। आपको बता दें, इस साहित्य मंडल के सम्मेलन में नेपाल, मणिपाल, बंगाल सहित छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, कवि व पत्रकारों ने भी हिस्सा लिया। बड़े गर्व और खुशी की बात है कि साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा जो आज मुझे सम्मान मिल रहा है, बहुत खुश हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्री प्रकाश जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं जब भी उनसे मोबाइल फ़ोन पर बात करता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। इतने बिजी कार्यक्रम में भी वो मेरी बात को सुनते थे और हिम्मत देते थे। मैं पूछता था कहाँ पे है, क्या है, लेकिन जब यहाँ पे आया और ये मंच को मैंने देखा, लोगों को सुना, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।